गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा। स्वामी जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, ऐसे ही एक दिन बाबा जी से क्वेश्चन आंसर हो रहे थे तो एक औरत आती है और बाबा जी से क्वेश्चन करती है, बाबा जी अगर हम अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास और प्यार करते हैं तो क्या उनके जरिए हम मुक्ति का कारण बन सकते हैं? तो बाबा जी कहते हैं कि हाँ, अगर आप पर अपने सतगुरु का विश्वास और अटूट प्यार है तो वह आपकी मुक्ति का कारण बन सकते हैं। लेकिन हम उस अवस्था पर नहीं हैं, पहले हमें उस अवस्था पर होना पड़ेगा। साध संगत जी, बाबा जी आगे कहते हैं कि तो अपने सतगुरु से सवाल करते हैं तो हम कैसे उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं? उस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले अपने अंदर का दरवाजा खोलना पड़ेगा। और वो अंदर का दरवाजा हमारा कैसे खुलेगा? भजन सिमरन से। जो सतगुरु हमारे हमें नाम दान देते हैं, हमें 2.5 घंटे भजन सिमरन पर बैठने के लिए करते हैं, तो वह हमने करना है ताकि हम अपने मालिक का भरोसा जीत पाए और उनसे अटूट प्यार कर पाए। ये जो बातें होती हैं सिर्फ कहने से नहीं होती, उनको करना पड़ता है। बाबा जी कहते हैं, जैसे मैं अपने सत्संग में हर सत्संगी को यही कहता हूँ कि भजन सिमरन किया करो, क्योंकि भजन सिमरन के द्वारा ही आपको मुक्ति मिलेगी और कोई दुनियारी बातों से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आप अकेले ही आए हो, अकेले ही जाओगे। तो गुरु प्यारी सास संगत जी, बाबा जी उस औरत को समझाते हैं, पहले भजन सिमरन के द्वारा अपने मालिक पर विश्वास और प्यार बनाए, तभी वह आपकी जिम्मेवारी लेंगे और आपको मुक्ति दिलवाएंगे। तो बाबा जी के कहे अनुसार वह औरत बाबा जी को राधा स्वामी कहती है और वहां से चली जाती है। तो गुरु प्यारी सास संगत जी, हम जितने भी सत्संगी हैं, हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम भजन सिमरन पर बैठते हैं अपने मन को एकाग्रित करें और मन को सिर्फ भजन सिमरन पर लाएं, अपने मन में कोई विचार ना लाए जिससे हमारा जो भजन सिमरन करे वह उस सतगुरु तक पहुंचे और उससे हम अपनी प्रीत को बढ़ा सके। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, ये रही मेरी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सभी सात संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।